हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है अपने आईफोन में लॉक स्क्रीन का कंट्रोल सेंटर कैसे बंद कर सकते हो। या दोस्तों, अगर आपको पता नहीं कि कंट्रोल सेंटर क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहां से अगर हम इस साइड से ऊपर से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे करेंगे, तो इस तरीके से ये जो ओपन हुआ है, ये हमारा आईफोन का कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इस साइड से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो ये हमारे आईफोन का नोटिफिकेशन सेंटर होता है। तो आज हम सीखेंगे कि हम जो अपने आईफोन में ये जो कंट्रोल सेंटर है, ये वाला, इसको हम जो है कैसे बंद करेंगे लॉक स्क्रीन पे। जी दोस्तों, अगर आपका आईफोन अनलॉक रहेगा और आप चलाते रहोगे, तो ये आपका कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, लेकिन आपका जो आईफोन है वो लॉक रहेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लॉक रहेगा। और तब यहाँ पर आप इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को ओपन करोगे, तो ये कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग करेंगे, जिससे क्या है, हमारा जो आईफोन है वो लॉक रहेगा, तो ये कंट्रोल सेंटर ओपन नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अगर आपका जो आईफोन है उसको आप अपने दोस्त लोग को दे देते हो, तो इस तरीके से वो कंट्रोल सेंटर को ओपन करके कुछ ना कुछ इस तरीके से क्लिक कर देते हैं, या फिर किसी रीजन से आप जो अपने आईफोन में कंट्रोल सेंटर को बंद करना चाहते हो लॉक स्क्रीन के टाइम। तो चलिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो आईफोन है उसको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद आपको सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन कर लिया है। अब इस तरीके से नीचे आना है। नीचे में आपको मिलेगा दोस्तों फेस आईडी एंड पासकोड, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना जो पासकोड है वो यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, अच्छे से डालना है दोस्तों। शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा था, मैंने अब सही से डाल दिया है ध्यान से देख के। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा फेस आईडी एंड पासकोड। अब नीचे आना है दोस्तों, नीचे आना है। आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्रोल सेंटर का, ये आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर लिखा हुआ है। अगर ऊपर से हम काउंट करें तो 1, 2, 3 नंबर पर है। तो इसको हमको क्या करना है, कंट्रोल सेंटर को जो ये टिक है, ठीक है ना, इसको आपको इस तरीके से बंद कर देना है। अब जैसे ही बंद करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अभी आईफोन आपका अनलॉक है, ठीक है, मतलब आप चला रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और इस तरीके से आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल सेंटर ओपन हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप जो अपने आईफोन को लॉक कर देते हो और उसके बाद यहाँ पर ओपन करोगे, तो ये ओपन नहीं होगा भले ही। हालांकि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन करोगे, उसको नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, शायद वो कंट्रोल सेंटर की वजह से पूरा बंद ही हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अगर लॉक कर दोगे, तो आपका यहाँ पे ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ही आप जो है अपने आईफोन को अनलॉक करोगे, अनलॉक करने के बाद इस तरीके से ओपन करोगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में कंट्रोल सेंटर को लॉक कर सकते हो, जिससे क्या है आपका और यहाँ पे आपका आईफोन सिक्योर रहे, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग हैं आपको दे देते हो उसको, तो वो जो है छेड़छाड़ कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हॉटस्पॉट ऑन करना, डाटा ऑन करना, ये सब। तो दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि कैसे आप जो अपने आईफोन में कंट्रोल सेंटर को बंद कर सकते हो लॉक स्क्रीन के टाइम। अगर आपको उसको दोबारा ऑन करना रहेगा, तो सेम प्रोसेस, सेटिंग ऐप पे चले जाना है, उसके बाद आपको वापस से फेस आईडी पे चले जाना है, अपना फेस आईडी यहाँ पे, फेस आईडी का जो पासकोड है ना, उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये, उसके बाद यहाँ पे जाके इसको आप ऑन भी कर सकते हो। फिलहाल अगर आप जो है इसको ऑफ करोगे, तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। आपका आईफोन अनलॉक रहेगा, तो आप उसको चला पाओगे और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ला पाओगे, लेकिन लॉक रहेगा तभी बस आप नहीं ला पाओगे। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका बैटरी सेविंग भी ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर आप कंट्रोल सेंटर को बंद कर देते हो लॉक स्क्रीन के टाइम, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे में लाल रंग का बटन सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।